चुकी है एक दूसरी क्लास। वेलकम फ्रेंड्स, तेरे गिरने में हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं, गिर उठ और फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है कोई टेंशन की बात नहीं है। बहुत से मित्रों ने क्वेश्चन किया था, जो लोग डीएलएड कर रहे हैं, जो लोग टेट सीटेट में हैं, जो लोग 9th 10th 12th में हैं, कि सर भिन्न नहीं आती, फ्रैक्शन नहीं आता है, तो इसका सारा कॉन्सेप्ट आज हम एक ही क्लास में क्लियर कर देंगे। आप ज़रा ध्यान से देखना, भिन्न से संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी और कभी भी नहीं रहेगी, पूरा क्लास को देखना। सबसे पहले हम आपको कंपेयर करना बताएंगे कि कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। जैसा कि अगर आपसे पूछें कि 1/2 और 1/3 में कौन बड़ा है, तो इसको छोड़ दो, मारो गोली, पहले इसको बताओ 2 और 3 में कौन बड़ा है। तो 2 और 3 में से हर कोई बता लेगा कि भाई 3 बड़ा है, 2 छोटा है। लेकिन यहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं होता है। यहाँ पर जो जितना ही बड़ा होता है उतना ही छोटा माना जाता है। मतलब जिसका हर जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतनी ही छोटी होगी, लेकिन उसमें कंडीशन ये होगी कि उसका अंश जो है वो बराबर होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना? तो इस तरह से आप हर एक भिन्न में कर सकते हो, जितना ही उसका हर जो है वो बड़ा होगा उतना ही भिन्न छोटी मानी जाएगी। जैसे 7/9 है और 7/13, इसमें कौन बड़ा है पता है? ये बड़ा है, वो छोटा है। क्यों? अब आप कहोगे 9 तो ज़्यादा है, 13 तो कम है, तो कैसे छोटा बड़ा बोल रहे हो? इसका रीज़न ये है कि अगर आपके पास 7 चॉकलेट या 7 बिस्किट है तो आपको उसको कितने में देना होगा? 9 लोगों को, 9 स्टूडेंट को बांटना होगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें उसी 7 में आपको 13 लोगों को बांटना होगा, यानी कि 13 लोगों को देना होगा। तो अब आप खुद डिसाइड कर लो कि जब ज़्यादा लोग रहेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा आपको मिलेगा कि कम रहेंगे तो ज़्यादा मिलेगा। यहाँ से आप खुद डिसाइड कर सकते हो। तो इस तरह से इसमें कौन बड़ा है? ये बड़ा है, क्योंकि कम लोग रहेंगे, इसीलिए कहते हैं ना, कम अगर है स्टूडेंट या कम संख्या है तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छा होता है। छोटा परिवार खुशी परिवार, आपने सुना है ना? तो ये हो गया, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप समझ गए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है कब? जब इस तरह का भिन्न आ जाए तो। इसमें तो कुछ निश्चित ही नहीं होता है, क्या करोगे? लेकिन उसके पहले अभी तक नीचे का गिनती जो है वो अलग अलग होती थी, ऊपर का बराबर होती थी ना। अब हम आपको दिखाएंगे ऊपर की गिनती जो है अलग अलग है, नीचे की जो है वो क्या है, बराबर है। आप बताओ आप लोग इसमें दोनों में कौन बड़ा है, इसको कैसे डिसाइड करोगे? हाँ, तो इसमें ये देखेंगे अब हम कि जो गिनती बड़ी नहीं, मतलब बराबर नहीं है, जैसे ऊपर का देखो बराबर नहीं है, इसमें जो गिनती बड़ी होगी वो भिन्न बड़ी होगी। मतलब समझ रहे हो ना? जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी मानी जाएगी। यानी कि इसमें 9/7 क्या है, बड़ा है, 2/7 छोटा है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि अगर आपके पास 2 लड्डू है तो उसको 7 विद्यार्थियों को बांटना है, ठीक ना? और इसका रीज़न क्या है कि 9 लड्डू में 7 लोगों को बांटना है। तो 9 में अगर 7 को बांटोगे तो सिंपल में आप सोच लो कि एक एक तो सबको आ जाएगा, पूरा पूरा इसमें एक एक आ जाएगा ना। और इसमें 2 में 7 को दोगे तो आधा का आधा भी नहीं आएगा। तो यहाँ से आप जान गए कौन बड़ा है, ये बड़ा है। कॉन्सेप्ट समझ गए ना? अभी और भी इसमें बहुत कुछ है, बस देखते जाना, कभी ना भूलोगे अगर पूरा देखोगे तो। इसमें देखिए एक तरीका होता है, इस तरह के फ्रैक्शन को करने में एक तरीका होता है, वो तरीका 2 होता है। मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा, लेकिन कहीं जाना मत भाग के। पहला दशमलव वाला मेथड है, दूसरा एलसीएम वाला है। तो पहले आप देख लो सभी लोग जल्दी से, दशमलव वाला तरीका या फिर मेथड, डेसिमल मेथड, उसमें क्या करते हैं, पहली भिन्न को पकड़ते हैं, 5/7 है, इसके हर से अंश में भाग करते हैं। तो चलो भाई 5 में 7 से भाग कर लो, लेकिन आपको भाग वगैरह आनी चाहिए। 7 का भाग इसमें ले जाओगे नहीं जाएगा, तो 0 बार ले जा सकते हो। इस तरह से घटाओगे तो 0 में उसमें से घटेगा तो 5 आएगा। ऊपर दशमलव बढ़ा करके आप 0 उतार सकते हो, तो 7 × 42, 7 × 49, 7 बार जाएगा, फिर घटाओगे 1 आ जाएगा। दशमलव की एक बहुत बुरी आदत होती है कि ये केवल 1 बार ऊपर बढ़ाया जाता है, उसके बाद आप बार बार 0 उतारते जाओ, लेकिन दोबारा दशमलव नहीं बढ़ाना है, नहीं तो यहाँ फिर 1 दशमलव बढ़ा लो, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ फिर 0 उतार लोगे तो फिर 1 बार जाएगा। अब ये 7 × 1 = 7, फिर 3 आ जाएगा। आप 2 अंक तक ले जाओ, बस इसी में कंपेयर कर लो, हर जगह ऐसे ही आपका हो जाएगा। तो ये आ गया इतना, ठीक ना? अब ज़रा गौर से अगला को देखना, 1/3 है ना। इसमें आपको एक काम करना है, और वो क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 1 में भाग करना है 3 का, क्योंकि नीचे वाले से ही भाग ऊपर वाले में हमेशा करते हैं।
इसमें भी आप पहले जीरो बार ले जाओगे या इस तरह से यहाँ वन आएगा, अब आप पॉइंट बढ़ाओगे यहाँ पर डेसिमल, यहाँ जीरो उतारोगे, अब तीन का भाग दस में जाएगा ना। हर कोई जानता है पहाड़ा थ्री थ्री जा होता है नाइन, जब सबट्रैक करोगे वन आएगा। अब दोबारा दशमलव तो बढ़ाना नहीं है, यहाँ पे जीरो उतार लो और फिर ये थ्री बार जाएगा, फिर नाइन आएगा, इस तरह से आता चला जाएगा, यानी कुल मिला करके थ्री 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 बार बार आएगा। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हो 0.3, और बार बार अगर वो आ रहा है तो आप वैसे तो अगर रियल में पूछें तो ये लगेगा 0.34 के ऊपर बार लगेगा, क्या लगेगा, थ्री के ऊपर बार लगेगा। लेकिन हम यहाँ पर बार क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हमें इससे कंपेयर करना, फिर आप समझ नहीं पाओगे इसका मतलब क्या हुआ, ठीक ना। तो कुल मिला करके अब हमारे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, इसको हमने एक अंक बढ़ा करके लिख दिया लगभग में, मतलब ये कोई करेक्ट वैल्यू नहीं है, ये भी कोई करेक्ट वैल्यू नहीं, लगभग में है आपको कंपेयर करने के लिए। तो ज़रा ध्यान दीजिए, ये लगभग 71 पैसे के बराबर है, ये 34 पैसे के बराबर है, क्योंकि इसमें रुपया नहीं है, रुपया पैसा से हम कंपेयर कर रहे हैं, इधर जीरो है ना, तो 71 पैसा ज़्यादा है कि 34 पैसा ज़्यादा है, 71 पैसा ज़्यादा है ना। तो सिंपल सी बात है, ये कौन सा सही बड़ा है, ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है, बात समझ गए ना। अगर कोई कन्फ्यूजन है आपके मन में तो पूछ सकते हो, 5 में 7 को बांटना है, 1 में 3 को बांटना है, आप कंपेयर करके देख लेना और बताना अगर कोई दिक्कत है तो, ठीक ना। देखिए ये आपका पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड देखना, ये मत सोचना कि एक ही सवाल लेके इसी में बुझा रहे हैं आपको, हम एक ही चीज़ को कई मेथड से बता रहे हैं, कई तरीका बता रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा मेथड अच्छा लगा। ये था दशमलव मेथड, यानी कि पहला मेथड था। अब इसी क्वेश्चन को सेम टू सेम समझने का दूसरा मेथड देखना, अभी बहुत कुछ बताएंगे, मज़ा आने वाला है, छोड़ के मत जाना क्लास को, पूरा देखना बस। हाँ, दूसरा मेथड ये है कि आपको 3 और 7 यानी कि दोनों भिन्नों का जो हर है, जिसे न्यूमरेटर बोलते हैं, उसका एलसीएम निकाल लो। तो 7 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 21 आएगा ना। आप क्या करोगे, 21 में आप 7 से भाग करो, तो हर कोई जानता है कि 7 से भाग करोगे तो 3 बार जाएगा, बात पक्की है ना, 3 बार जाएगा। तो जो ये 3 आया ना ऊपर, उसको लेकर के और चुपके से इसमें गुणा कर देना है, तो इस तरह से आपका ही हो जाएगा 15, बात समझ में आई। इसमें भी एलसीएम जब हमने निकाला था तो दोनों के सहयोग से निकला था ना, तो यही एलसीएम इसके लिए भी हो जाएगा 21। जब आप 3 से भाग करोगे 21 में, भाई यहाँ 3 लिखो, यहाँ 21 लिखो, 7 बार जाएगा ना, उस 7 का इसमें गुणा करोगे तो ये 7 हो जाएगा। अब आप खुद ही डिसाइड कर लो, यहाँ पर नीचे का पार्ट सभी में बराबर है, यानी कि 15 लड्डू में 21 बच्चों को बांटना है और 7 लड्डू में 21 बच्चों को बांटना है। यहाँ से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कौन सा बड़ा है, कौन सा कम है, किस में ज़्यादा मिलेगा, किस में कम मिलेगा, ये किसका मान था, इसका मान था ना, तो इसका मतलब 5/7 बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। कभी ना भूलोगे बड़ा छोटा, आप जल्दी से लाइक कर दो तुरंत, अगर समझ में आ गया तो तुरंत फट से लाइक कर दीजिए, हाँ तुरंत तुरंत। और अगर अभी तक आपने PVR स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ज़रूर दबाना, यानी कि बेल आइकन प्रेस करना। नहीं अगर कोई समझ में आ रहा है, कोई बात कैसे क्या करना है, तो ऊपर दिए गए नंबरों पर आप हेल्प भी ले सकते हैं। याद रखना ये फ्री की डेमो क्लास आप देख रहे हो, जिसमें 10 क्लास लगभग आपको मिलेगी। अगर आप क्लास ज्वाइन करोगे तो गणित सिखाने की पूरी गारंटी होगी, नहीं करोगे तो यूट्यूब पर आपको बहुत कुछ ऐसे मिलता रहेगा PVR स्टडी के साथ, लेकिन कंप्लीट नहीं मिलेगा, उसकी भी हमारी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है। आगे चलें, अब हम लोग देखेंगे क्या, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का जोड़, ठीक है। इंग्लिश में लिख रहे हैं लेकिन इसको हम हिंदी में करवाएंगे, देसी भाषा में, टेंशन मत लेना, इसको तो हम करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको कुछ और भी बातें बताएंगे। वो क्या है, आप एक सवाल का जवाब दे दो, इसको कोड भाषा में 5 लिख लो क्वेश्चन में। सभी लोग ये बताओ कि 3/7 व 2/9 में कौन बड़ा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्योंकि कुछ लोग तो जैसे लगता है सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, हाथ जोड़ के देखते रहते हैं, अपना बोलते हैं ना, लाइक करते हैं ना, कोई भी एक्शन नहीं करते हैं, मालूम नहीं चलता कि वो देख रहे हैं, तो कुछ तो करो ना। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी बता दो 3/19 है, इसमें 19/3 कर लो, अब बताओ कौन बड़ा छोटा है, जल्दी से बताना। और हाँ, जो लोग काफ़ी मुरझाए हुए बैठे हैं वो लोग भी एक सवाल बता देंगे, बहुत ही आसान है, स्पेशल उन्हीं के लिए है ये। 3/3 है और यह 2/2, इसको जो ना बताएगा समझ लीजिए वो बहुत अच्छा है, जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन कौन बता लेता है, जो ना बताएगा वो अच्छा है। हर कोई अच्छा है क्या,
अरे कोई तो बुरे बनो भाई, आ गया। हाँ चलिए अब अपने टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। इसमें जो भिन्नों का जोड़ना होता, दो तरह की भिन्नें होती हैं, आपको बताया था हमने, क्या बताया था, बताया था ना, दो तरह का होता है। एक होता है उचित भिन्न, एक होता है अनुचित भिन्न। एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, पढ़ा था ना। और एक होती है लाइक फ्रैक्शन, एक होती है अनलाइक फ्रैक्शन। तो यहाँ पर हम लाइक और अनलाइक की बात करेंगे, ठीक ना, प्रॉपर इम्प्रॉपर की बात नहीं करेंगे। ये जो भिन्न है ना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर, जल्दी से बताओ। ये इम्प्रॉपर है कि प्रॉपर है, ये प्रॉपर है। जब नीचे वाली गिनती बड़ी होगी, ऊपर वाली छोटी होगी तो प्रॉपर होती है। जिसे शायद हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, कमेंट करके बताना। हमारे समझ से जो है जो भी होता होगा जाने दीजिए। इम्प्रॉपर जो है वो होता है 7/5 जैसे ये है, मतलब नीचे की गिनती छोटी है ऊपर की बड़ी है, तो इम्प्रॉपर होता है। तो इसके बारे में आप लोगों को हिंदी भी काफ़ी लोगों को समझना होगा, वो मैं आपको बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। जब नीचे का जो हर है दोनों में बराबर है, देखो बराबर है ना, इसको तो छोड़ो जाने दो, उसको मत देखो। ये बताओ अगर कोई वस्तु आपके साथ है, उसको आप आधे से तोड़ देते हो तो क्या होता है, आधी आधी हो जाती है ना। जैसे मैंने लिया ये मार्कर, मान लो एक पेन है, चलो मान लो मैथ में बहुत कुछ माना जाता है, एक पेन है ना, इसको हमने तोड़ करके दोनों को अलग अलग कर दिया, दो टुकड़े कर दिए। अब बताओ दोनों को एक में जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 1/2 है, 1/2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो एक हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। उसी तरह से क्या है, ये 1/2 है, 1/2 है, जोड़ोगे तो एक हो जाएगा। लेकिन आप सोच रहे होगे कैसे लिख दिया, ऐसे बेवकूफ़ बना दिया। इधर देखो ये नीचे का बराबर है ना, जब नीचे का गिनती बराबर होता है तो इसको चुपके से ऐसे लिख लेते हैं, ऊपर का ऐसे जोड़ देते हैं। जब आप इसे जोड़ोगे तो 1 1 2 होएगा, 2/2, 2 से 2 काट दो, बराबर 1/1 है ना। बिल्कुल आसान, बहुत मज़ेदार है। क्लास छोड़ के मत जाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर चले गए तो बहुत पछताओगे। आज पूरी क्लास देखना, सब कुछ क्लियर होगा। ये तो था जब भिन्नों का भाई ये तो बड़ी घटिया क्वालिटी से आई है, मिट नहीं रही है। मिलता है ये, जानते हैं कितने का, 35 रुपये का मिलता है ये, और कितना ML रहता है, 10-5 ML रहता है, 15 ML लगभग रहता है। लेकिन अभी मिटाने लगो ना तो दांत भी रगड़ना पड़ता है, मिटता नहीं। आगे देखिए, ये क्वेश्चन तो हो गया जब नीचे का पार्ट बराबर हो, यानी कि न्यूमरेटर बराबर हो, जाने दीजिए। अब आप इसको समझ गए होंगे, तो एक और बता दो इसी में, इसका मान क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ कितना आएगा। हर कोई बता लेगा, कोई ऐसा नहीं होगा जो ना बता पाए। जोड़ दो 3 2 5, इस तरह से 5/7 हो गया। इसको हमने दोबारा से करवाया आपकी खुशी के लिए, है ना। ये तो था फ्रैक्शन का जोड़ना जब हर बराबर हो या ना बराबर हो। हाँ अब आती है मुसीबत वाली बात, जब इस तरह का हो सवाल तो क्या करोगे। इसमें दो तरीका होता है, एक होता है LCM लेना, एक होता है तिरछा गुणा करना क्रॉस मल्टीपल। कुछ बेवकूफ़ लोग हैं जो कहते हैं कि भाई तिरछा गुणा करना गलत होता है, LCM वाला गलत होता है। गलत कोई नहीं होता, गलत उनकी बुद्धि होती है। तिरछा गुणा करने पर क्या होता है, जो आगे सोल्यूशन मिलता है काफ़ी बड़ा हो जाता है, उसको हल करने में थोड़ी कठिनाई होती है। अगर आप LCM लेके करते हो तो बाद में काटपीट थोड़ा कम करना पड़ता है। दोनों में इतना ही अंतर होता है, बाकी कोई अंतर नहीं होता है। तो पहले हम क्रॉस मल्टीपल वाला करेंगे। 5 का गुणा करो 3 में, 7 का करो 2 में। तो पहले 5 का 3 में करो तो हो जाएगा 5 3 15, यानी कि 5 3 15। फिर बीच में प्लस था ये लगाया, 7 का 2 में करो, 7 2 14, बात क्लियर। 7 का 5 में कर लो, हो जाएगा 35, बात समझ में आई ना। ये हो गया बात ख़त्म। अब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा का 14 15, भाई 15 15 30 होता है, एक कम है तो 29 हो गया, 35 ना, तो ये कटेगा ना पिटेगा, कुछ नहीं होगा, अंतर उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका इसी में देख लेना लगे हाथ, वीडियो को रोक करके लिखना जिसको लिखना है, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं देने वाले। हमारा कोशिश ये है कि इस क्लास में बहुत कुछ हो जाए आज, पूरा कंप्लीट फ्रैक्शन। 5 7 का LCM ले लो, लासा जिसे बोलते हैं, जिसको लासा नहीं आता कमेंट करना, हम बताएंगे। जब लासा लोगे तो कितना आएगा पता है, 35 आएगा। 7 5 का लासा 35 आएगा। उसका कारण ये है कि 7 और 5 जो है दोनों क्या है, एक अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य है ना, मतलब प्राइम नंबर है, है ना। तो प्राइम नंबर का LCM केवल गुणा करने पर ही आता है। LCM लिया 35, 35 में 7 से भाग कर लो ऐसे चुपके से, तो कितना आएगा, 7 5 ये हो गया 35, ऊपर कितना आया 5 आया ना, 5 आया ना।
जो ऊपर आता है ना उसको फटाफट पकड़ लेते हैं और इसको पकड़ के खट से इसमें गुड़ा कर देते हैं। तो 5 का 3 में गुड़ा करोगे हो जाएगा 15 और धन। दूसरी बार क्या करते हैं, इससे भाग करेंगे 35 में। जब इससे भाग करोगे 5 से तो 7 आएगा, 7 को पकड़ के इसमें गुड़ा करोगे तो 14 हो जाएगा। कुल मिला करके वही ढर्रा यहू जा रहे हैं, इनकी ढर्रा बदली नहीं, सेम टू सेम वही से आया है, लेकिन हमने आपको तरीका अलग बताया है। बात समझ गए ना, ये था भिन्नों का जोड़ना अलग अलग तरीके से, आपने देख लिया। कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा तरीका अच्छा था, पहला कि दूसरा। और हाँ, जो काफ़ी देर से मुरझाए हुए बैठे हैं ना, वो थोड़ा जग जाएं और पानी वानी पी लें और कुछ एक्टिव रहें, मतलब कि अपनी एक्टिविटी दिखाते रहें। क्लास को लाइक करें, कुछ कमेंट करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे हम जो इतना देर से चिल्ला रहे हैं ना बेवकूफ़ हो जैसे, थोड़ा सा तो मालूम चले ना भाई कि हाँ आप लोग हो और थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हो ना। ये तो था जोड़ना वाला, अब देखेंगे घटाना। सब्स्ट्रैक्शन ऑफ सब्स्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन हिंदी में लिख दें, काहे किसी को दर्द हो भाई। घटाना कैसे करेंगे, जैसे लिखा है 2/3 माइनस 1/3, ये तो बहुत आसान एकदम हलुआ है। क्यों, क्योंकि नीचे का यानी कि न्यूमरेटर बराबर है, डेनोमिनेटर जो है वो डेनोमिनेटर बराबर है, न्यूमरेटर जो है वो अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में नीचे इसको ऐसे लिख लेते हैं, यानी कि हर को इसको घटा लेते हैं, तो ये आपका 1/3 आ जाता है। बहुत आसान था ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर हम कठिनाई कर दें, 2/3 माइनस 1/2, हाय अल्लाह आपका होगा, हे राम आपका होगा। हमने अल्लाह राम दोनों का नाम लिया, ये मत सोचना किसी एक संप्रदाय में जा रहे हैं। क्या आएगा बताइए। हाँ देखिए, दो तरीका है, वही जो जोड़ वाले में भी कर रहे थे ना, चाहे तो तिरछा गुणा करो, चाहे तो एलसीएम ले लो। तो चलो तिरछा गुणा करते हैं, 2×2=4 और ये हो जाएगा माइनस, 3×1=3 और ये हो जाएगा 3×2=6 बराबर हो जाएगा 1/6। कहीं कुछ गलत होगा तो बताना, कोई गलती नहीं है, नो टेंशन, देखते रहना बस। बात समझ में आई ना, हो गया क्लियर। देखिए कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा कि जब तिरछा गुणा इतना आसान होता है तो आखिर ये एलसीएम वाला काहे बताते हैं। आइए बताते हैं एलसीएम वाला काहे बताते हैं, ध्यान से देखना। एलसीएम वाला हम इसीलिए बताते हैं क्योंकि तिरछा गुणा कहीं कहीं जो है ना वो गड़बड़ कर जाता है, काफ़ी मुसीबत में डाल देता है। वो देखिए कैसे, जैसे आपको हल करना हो 45/3 ना करो नहीं तो कट जाएगा, और माइनस अगला हल करना है वो क्या है 32/3। अब ऐसी स्थिति में जब आप तिरछा गुणा करोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्या हो जाएगा, वो ये गड़बड़ हो जाएगा कि आप 3 का गुणा करोगे 45 में, 7 का गुणा करोगे किस में, 32 में, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ना। हाँ, या फिर अगर यहाँ पर हम आपको इसको ना दे करके कुछ और दे देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर लिख दिया 9 और यहाँ पर हमने लिख दिया आपके लिए क्या लिख दिया, चलो 3 लिख दिया। अब ऐसी स्थिति में हो जाता कोई मुसीबत ना। एक आसान तरीका है इसका, आप जब एलसीएम ले लोगे तो 3 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, ये देखो 3 और 9, 3 से काटोगे 3×3 3×3=9, इस तरह से कुल मिला करके एलसीएम 9 आएगा। कमेंट करके बताना जिनको एलसीएम नहीं आता है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, तो ये एलसीएम 9 हो गया। अब क्या करोगे, देखिए गुणा करोगे तो काफ़ी बड़ी बड़ी गिनती है ना, है ना, फिलहाल ये तब भी छोटा है, अभी और बड़ा दिखाएंगे। जब आपने एलसीएम लिया तो 9 आ गया, जब 9 आया एलसीएम उसमें आप इस 9 से भाग करोगे तो 1 आएगा ना। अब आपको 1 से गुणा करना है 45 में, तो कितना आएगा, ये चुपचाप 45 आ जाएगा। अगर इसको ना करते तो क्या होता, तिरछा गुणा करते तो आपको 3 का गुणा 45 में करना पड़ता। सोचो 3×5=15, 3×4=12 और 12×1=13, 135 लिखना पड़ता ना, बड़ा हो जाता ना। इसी अंतर को दिखाने के लिए हमने ये किया, तो ये हो गया 3 से भाग कर दो 9 में, 3 आएगा, 3 का इसमें गुणा करोगे तो ये 3×6=9 हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, 3×6=9। बस अब घटा लो इसको, देखो करना क्या है भाई, 45 छोटा है 96 बड़ा है, नहीं घटेगा। तो करना क्या, उल्टा पुल्टा कर दो इनको, 9, 6 और 4, 5, 6 से 5 गया 1 और 9 से 4 गया 5, इस तरह से आ गया 51 और नीचे 9।
लेकिन इन्होंने कर्जा लिया है, उल्टा घटे हुए हैं ये, तो उसका असर तो दिखता ही रहेगा ना। क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस भी लगेगा क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है, ये माइनस 96 है, ये प्लस 45 था, तो उत्तर जो आएगा माइनस में आएगा। ये अंतर था तिरछा गुणा क्रॉस मल्टीपल और LCM वाले मेथड में। इसी समय लगे हाथ हम आपको बता देते हैं गुणा, ठीक है, मल्टीपल। एक बात याद रखिएगा, जो तीन या चार पद वाली भिन्न होती है ना, उसको भी हम आपको बताएंगे, लेकिन जब आप क्लास को ज्वाइन करेंगे तब बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बता देंगे तो फिर आप ज्वाइन ही क्यों करोगे, है ना। देखिए, जैसे इसमें एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, 2/7 और गुणा 2/3। अब ये सवाल का आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 9/5 यानी 9/5 और 1/7 जो है वो 7। कोशिश करना और बताना क्या आएगा, कितना आएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। काफ़ी लंबी ये क्लास जा रही है फिलहाल। ऊपर ऊपर का गुणा करोगे, 2×2=4, 7×3 में करोगे, 7×3=21। कुछ लोग काफ़ी देखते रह गए होंगे कैसे हो गया, इसमें हुआ क्या। गुणा में ऊपर का ऊपर गुणा कर लेते हैं, नीचे का नीचे, बाकी कोई लफड़ा नहीं होता, ना तो तिरछा गुणा होता है ना LCM होता है, कुछ भी नहीं होता, सबसे आसान गुणा होता है। इसमें कर लो, चाहे हर अंश बराबर हो या ना बराबर हो, कोई लफड़ा नहीं होता। 9×1 में गुणा करोगे, ये हो जाएगा 9 यानी 9×1=9, 5×7 में करोगे तो 5×7=35, 5×7=35। बात समझ में आई, मज़ेदार हो गया ना। तो आगे चलें, ये बात क्लियर हो गई गुणा वाली। इसमें देखो, कोई भी अगर बड़े बड़े दिए हों तो क्या करेंगे, देखो भाई ये मिट भी नहीं रहा है, सबसे बड़ा लफड़ा तो इसमें यही है, इससे लिखना सबसे बड़ा झंझट तो यही है, हम इसको मिटाएंगे भी नहीं। अब जाने दीजिए, बगल में दिखा देते हैं आपको, देखो बहुत बड़ा बोर्ड है, आप लोगों की दुआ से आगे देखना, अब इससे लिखेंगे भी नहीं। देखिए, ये तो था गुणा, लेकिन अगर कहीं बड़े बड़े दिए हैं तो 45/15 और ये दिया है 84/14। आप क्या करोगे ऐसी स्थिति में, गुणा करना है। अब आप कहोगे कि इसका गुणा इसमें करना है, इसका इसमें करना है, तो क्या हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आपको पहले इसको सरल कर लेना है, 15×15, 15×3=45, 14×14, 14×6=84 होता है, आता है ना भाई, 14×6=84 होता है कि नहीं होता, 6×6=24, 6×1=6=28, तो 14×6=84, यानी कि बचा 3/1 गुणा 6/1। कितना आसान हो गया ना, 3×6 में गुणा कर लो तो 3×6=18, 18/1 चाहे लिखो या ना लिखो, कुल मिला करके आपको मिल गया 18, है ना, कितना मज़ेदार। तो ये था तरीका जो आपने देखा, गुणा हो गया आपका, जोड़ घटाना हो गया। अब हम आपको दिखा देते हैं भाग, चलिए भाग दिखा देते हैं। ब्लैक स्याही जो है बहुत अच्छी है, जो ब्लू वाली है ना बड़ी ख़तरनाक है, ये एक बार लिख देते हैं ना तो जब तक उसको खूब ताकत से लगा कि ना रगड़ो तब तक मिटता नहीं है, और ज़्यादा ताकत लगाने से ये बोर्ड भी नीचे आ सकता है, फिर अभी हो जाएगा काफ़ी लफड़ा। अब चलिए भाग दिखाते हैं आपको। देखिए मित्रों, भाग का नाम ही भागना है, ये अपने कर्तव्य से भाग करके कुछ और कर जाता है। जैसे 3/7 और भाग है 9/14, इसको क्या करते हैं, कुछ लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, कुछ नहीं करते हैं, ये भाग जो है ये भाग करके क्या करता है, गुणा का चिन्ह लगा देता है, और जो दूसरा वाला फ्रैक्शन होता भिन्न होता ये पलट जाता है, यानी कि 14 ऊपर 9 नीचे, चुरकी नीचे पैर ऊपर, समझ गए ना। काट दो अगर कट रहा है तो, नहीं कट रहा तो वैसे छाप लो। देखो ये कट रहा है, 3×3=9 और ये 7×1=7, 7×2=14। कुछ लोग सोच रहे होंगे ऊपर नीचे काहे काट दिए, ऊपर नीचे काहे काट दिए, भाई देखो भारत में बिरादरी का बहुत बड़ा खेल होता है ना, विशेषकर शादी ब्याह में समाज की मान्यता होती है। तो अगर ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी कास्ट का कोई लड़का है या लड़की तो आपके ज़िले में ही शादी करे, ये ज़रूरी है कि आपकी जाति का हो, कास्ट का हो, लेकिन ज़िले की बाध्यता नहीं होती है, दूसरे ज़िले में भी शादी कर सकता है ना, ये मज़ेदार तरीका है ना। तो मतलब ये है मेरा कहने का कि ये ज़रूरी नहीं कि नीचे से ऊपर वाला ही कटे, इससे यही ऊपर वाला कटे, इससे इधर का भी कट सकता है, लेकिन हाँ कास्ट की बाध्यता है कि इससे ये नीचे वाला नहीं कटेगा, नीचे से नीचे, एक नीचे का हो एक ऊपर का हो। अरे वैसे सिंपल में समझ लो, जैसे लड़के लड़के की शादी और लड़की लड़की की शादी नहीं होती है फिलहाल, आजकल तो हाई कोर्ट ने मान्यता दे दिया है, लेकिन समाज में होता नहीं, तो बस वैसे ही।
इसमें मैंने कुछ ज़्यादा बता दिया ना। हाँ तो ये कट गया, बचा क्या था, ये 2/3 बचा था, लिख लो बस, हो गया काम ख़त्म, 2/3 आंसर आ गया। बाकी तो हमने आपको बता दिया, कुछ देर सोचते रहिएगा, कुछ लोग तो उसी सोच में पड़ गए होंगे, है ना, तो कमेंट करके बताइएगा आप किस सोच में पड़े हैं। देखिए चलते चलते कुछ और भी आपको बता देते हैं, अगला सवाल भी आप देख लेना, इसी में कुछ लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, तो इसको क्या करोगे, बस वही तरीका, पहला फ्रैक्शन को लिख लो बिना किसी छेड़छाड़ के, भाग का चिन्ह हटा करके गुणा का लगा दो, इसको पकड़ के पलट दो, चुरकी जो है वो कहाँ हो जाए, चुरकी नीचे हो जाए, यानी कि 13 नीचे आ जाए और 2 ऊपर चला जाए, चुरकी नीचे पैर ऊपर, काट दो जो कट रहा है, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 13 से काटो, 13 × 3 = 39, इंग्लिश में बोलेंगे 2 × 2 = 2, 2 × 7 = 14, 13 × 1 = 13, 13 × 3 = 39, 3/7 1/1 क्या है, 3/7 मजा आई ना। हाँ तो भाई कुछ होमवर्क भी लिख लो आप सभी, काफ़ी इंतज़ार होगा आप लोगों को, होमवर्क भी लिखना ज़रूरी है, होमवर्क जल्दी से लिख लो, तुरंत छाप लो होमवर्क, घर से करके लाना। दोस्तों ये होमवर्क हो चुका आपके सामने, इसको जल्दी से छाप लो सभी लोग, क्योंकि आप लोगों का काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, काफ़ी सवाल होता है, काफ़ी शिकवा शिकायत होती है कि आप होमवर्क नहीं देते हैं, जल्दी से होमवर्क लिख लो, तब तक हम कुछ भाग देते हैं यहाँ पर, इन भाग के सवालों को लिखना, 7वां सवाल आपको नहीं आएगा, 7वां सवाल के लिए आपको क्लास को ज्वाइन करना होगा, उसका तरीका अभी हम पूरा आपको बता देते हैं, और जिन लोगों को करना है वो लोग बड़े ही प्यार से कर सकते हैं, हमारी पूरी सहायता होगी कि आपको सब कुछ आए, और थोड़ा सा रुकना, अभी हम आपके सामने से हट रहे हैं, उसके बाद आपको पूरा दिखेगा, टेंशन मत लेना, एक क्वेश्चन और लिखने दो, बस हम आपके सामने से हरदम के लिए हट जा रहे हैं, टेंशन मत लेना, बिल्कुल देखते रहना। और हमारा नाम है राजकुमार दुबंसी, आप लोग PVR स्टडी इलाहाबाद चैनल, और इसके साथ साथ अपना सपोर्ट करना और इसे दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, है ना, मज़ेदार लगी क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताना और हर किसी को बताना, क्लास को ज़रूर दिखाना, भिन्न से संबंधित सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, हो गई ना बात, वीडियो को रोक लो जल्दी से, इसी पर टच करो, जल्दी से रुक जाए वीडियो, रुक गया ना, रोक लिया, रोक करके वीडियो को तो लिखो जल्दी से। मित्रों कुछ सवाल आपके सामने ऐसे हैं जो कि आपको काफ़ी अचंभित कर रहे होंगे क्योंकि इनको नहीं बताया गया, ये सवाल आपके परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे आप कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप 10th 12th में हैं, TET CTET DLED किसी भी परीक्षा में हैं, अक्सर आपसे ये सवाल पूछे जाते हैं, इनका वैल्यू पूछा जाता है। अगर आप कंप्लीट मैथ सीखना चाहते हैं घर बैठे, हमारी गारंटी होगी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, #, देखा है ना लाइन, तो इन्हीं बातों के साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन JLM लिख करके आपको भेजना है, JLM मतलब होता है 0 Level Math, क्लास का आपको कोई शुल्क नहीं पेमेंट करना होगा, कोई पैसा रुपया नहीं देना, बिल्कुल फ्री है, आपको केवल ज्वाइनिंग शुल्क एक बार पे करना होगा, मात्र ₹549 और पूरे एक साल के लिए, जरा आप सोचो कि पूरे एक साल के लिए मात्र 549 कितना कम है ना, पूरे वर्ष के लिए आप PVR स्टडी की सभी बेसिक क्लास को देख पाएंगे 549 में घर बैठे, कोई डाउट होगा आप व्हाट्सएप पे उसको क्वेश्चन को भेजेंगे, हम ऐसे आपके सामने आपका नाम, जिले और राज्य के नाम के साथ क्वेश्चन को आपका हल करवाया जाएगा और आपकी भरपूर हेल्प की जाएगी, हमारी कोशिश होगी, जो हमारी टीम है 8-10 लोगों की, जो भी लोग वर्क करते हैं आपका भरपूर सहयोग करेंगे, आपकी फ़ोन कॉल व्हाट्सएप का हर चीज़ का आप जवाब मिलेगा, आप संतुष्ट होंगे 100%। अगर इसको नहीं करना है मत करिए, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, PVR स्टडी इलाहाबाद को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, आपको 50% क्लास YouTube से ही मिलती रहेंगी, आपको कुछ नहीं करना है इसके लिए, लेकिन अगर कंप्लीट पढ़ना है, वास्तव में सीखना है तो कर लेना है, नहीं करना है तो YouTube से देखते रहो, चलते हैं फिर, बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इन बातों के साथ, जय हिंद जय भारत, फिर से मिलते हैं अगली क्लास के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, याद रखिएगा, अगर मान लिया तो हार गए, ठान लिया तो जीत गए, तो भाई डर के आगे जीत है, देखा है ना, चलते हैं फिर, एक बार फिर से धन्यवाद, और हाँ इस क्लास को दोस्तों में भेज करके जाना, शेयर जरूर करना इसे, हर एक मित्र में शेयर करना, और हाँ इतना है तो नहीं, एक बात तो हम भूल ही रहे थे, उसको मैं आपको बता दूं चलते चलते, कि अगर आप इस क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया PVR स्टडी इलाहाबाद को यूट्यूब पर आकर के सब्सक्राइब कर लें, आपको PVR स्टडी लिखना होगा, अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर जाएं, अपना अकाउंट लॉगिन करने के बाद जहां पर फ्रेंड सर्च करते हैं वहां सर्च करें PVR स्टडी, और तुरंत जो पेज आएगा उसको लाइक करके फॉलो कर लीजिएगा, आप पेमेंट वाली क्लास को 60% वहाँ पर देख पाओगे, मतलब फेसबुक पर 60% पेड क्लास भी देख पाओगे अगर वहाँ पर फॉलो करोगे तो, ठीक ना, तो ज़रूर कर लेना, भूलना मत,
इसके अलावा अपनी वेबसाइट विजिट करना ना भूलना, करंट अफेयर जीके जीएस अन्य स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में प्राप्त करें, आज ही विजिट करें pvrstudy.com। तो दोस्तों हो गई सारी बातें, फिर से एक बार धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से चलते हैं, फिर से एक बार जाने का मन तो नहीं लेकिन फिर भी चलते हैं। आप लोग बातों को समझ गए होंगे,